कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने को तैयार है बिहार सरकार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इसकी समीक्षा हो गई है। जो भी लोग विदेश से आए हैं या आसपास के हैं और जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है, वैसे लोगों को सरकार और स्वास्थ्य विभाग चिन्हित करेगा और सतर्कता बरतेगा। बिहार के तीनों एयरपोर्ट पर जो भी ऐसे लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। IGIMS में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सभी ऑक्सीजन प्लांट को व्यवस्थित कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खासकर ऑक्सीजन के मसले पर जो भी लोग पिछले दिनों मंगोलिया से हैं जिनका जीमेन फ्रीक्वेंसी होने गया है, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है बता दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में मिली शराब की बोतलों पर नीतीश कुमार ने कहा कि इसकी सघन जांच की जा रही है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या किसी ने वहां शराब पी है या किसी ने केवल बोतल फेंक दिया है, सब पता चल जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि पटना को अगर पूरी तरीके से कंट्रोल करने में सरकार लगी हुई है, अगर पटना नहीं कंट्रोल होगा तो बाकी जगहों से कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के विधायक को अपने ही संसद पर विवादित बयान, कहा संसद महोदय दारू और गांजा बेचवाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जमीन और आसमान एक किए हुए, वहीं दूसरी तरफ शराब की तस्करी में लगे माफिया उनको हर कदम पर चुनौती दे रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस विवाद के लगभग 3 महीने बाद गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसके बाद खुद CM नीतीश कुमार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही सांसद अजय मंडल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। भागलपुर विधायक ने अपने ही सांसद पर तंज कसते हुए कहा है कि यहाँ जो ट्रैक्टर पर दारू भेजते हैं और अफीम की खेती करते हैं वो हमारे सांसद हैं, ने तो उसी घटना को लेकर चर्चा शुरू कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपनी ओर सजगता बढ़ा दी है। इस दौरान नीतीश ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जल्द ही इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। पी ने जारी किया 8,415 सिपाही पद की लिखित परीक्षा का परिणाम, 5 गुना अधिक का चयन। केंद्रीय चयन परिषद ने राज्य के बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी में सिपाही की नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इस बाबत केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के चेयरमैन सह पूर्व DGP KS द्विवेदी ने अधिसूचना जारी की। इसमें सीट से 5 गुना अधिक के भर्ती का चयन हुआ है। सफल छात्र शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे। 8,415 पदों के लिए लिखित परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 11,44,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र जारी किया गया था। परीक्षा में 10,19,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। भारत रूस शिखर सम्मेलन, PM मोदी बोले दुनिया में कई बड़े बदलाव के बावजूद भारत और रूस के बीच दोस्ती रही कायम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में आज शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में बीती शाम रूसी राष्ट्रपति के आवागमन की। दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों की वृद्धि की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी लगातार मजबूत होते जा रही है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आए। देश में नए वेरियंट के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 23। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आ गए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक 37 व्यक्ति और उसके 36 वर्षीय अमेरिकी रिटर्न मित्र में वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 10 हो गई है। यही नहीं, देश में अब ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। देश में रविवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 नए मामले सामने आ गए हैं। भारत और बांग्लादेश ने मनाया मैत्री दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे ढाका, जाने क्या होगा एजेंडा। 50 वर्ष पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इस उपलक्ष्य में सोमवार को ढाका, नई दिल्ली समेत दूसरे कई देशों की राजधानी में मैत्री दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर को खास बनाते हुए भारत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए PM शेख हसीना के साथ आगे भी काम करने के उत्सुक है। शेख हसीना ने भी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भारत से मिले सहयोग को याद किया और धन्यवाद दिया। जयपुर पहुंचे विकी कौशल और कैटरीना कैफ। ऑरेंज रंग के गगरा में बेहद खूबसूरत दिखी
कैटरीना कैफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने खुद इस खबर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन दोनों के घर पर बीते कुछ दिनों से शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब हाल ही में कुछ देर पहले विकी कौशल और कैटरीना कैफ प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। विकी और कैटरीना कैफ अपनी शादी के डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। इस दौरान कैटरीना कैफ का लुक देखते ही बन रहा था।